ग्वालियर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया, जिसके पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं के साथ कई श्रद्धालु भी शामिल हुए। ग्वालियर में श्रीमद् भागवत कथा पाठ कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हो गया है। परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा की पोती को लेकर आगे चल रहे थे, वहीं महिलाएं कलश लेकर पीछे चल रही थी। कलश यात्रा भोलेनाथ मंदिर से प्रारंभ होकर कथा स्थल तक पहुंची। जगह जगह भक्तों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का और आचार्य जी का सम्मान भी किया गया। उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ प्रारंभ हुआ। सुप्रसिद्ध भगवताचार्य पंडित घनश्याम शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि भागवत का मूल पाठ खास तौर से पितृ पक्ष में किया जाता है, जिससे पितरों को मुक्ति मिलती है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा मूल पाठ पारायण है, इसे हम अपने पितरों के लिए श्रवण कराते हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। इसमें इसके पाठ से, इसके मनन से पितृ देवताओं का मोक्ष मिलता है और उनको उनका कल्याण भी होता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।